घूमने के लिए आए हुए हैं हम लोग रबर डैम गया जी में, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। देखिए मेरे पीछे रबर डैम है, ये डैम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे मेरे दोस्त लोग भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, ये लोग मस्ती कर रहे हैं, अभी आए हुए हैं घूमने के लिए। ये लोग कुछ क्या खा रहे हैं? अरे हम इधर खड़े हैं, ये लोग कुछ का खाने में पड़े हुए हैं, अभी देख सकते हैं। देखिए रेडी वाले लगा रखे हैं अभी, आप देख सकते हैं। और देखिए भैया बाबू के हमारा छोटा सा, ये मेरा छोटा सा बेटा है, आप देख सकते हैं। बाबू टाटा सर का भी लोग को आप देख सकते हैं, मेरा छोटा बेटा जो देख सकते हैं, हाथ में लेकर घूम, हाथ में लेकर। और छोटा बेटा था, अभी घूमने के लिए ले आए, इसे घुमाने के लिए आज रबर जी गया डैम माँ सीता सेतु पुल पर आज घुमाने के लिए लाए हैं। सब लोग आए हैं मेरे फैमिली, जो कि आज देख सकते हैं, ये सब फैमिली मेरे सब आए हुए हैं। इधर चाट गुपचुप फुचका वगैरह का लगा रखे हैं, टी स्टॉल भी लगा रखे हैं ये भाई साहब। और देखिए नज़ारा किस तरह का, इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा फैला बना हुआ है, फैल है। और मेरे पीछे ये देख सकते हैं पुलिया है, इस पर चढ़कर आप देख सकते हैं ऊपर, लाइट से पता नहीं चल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिया, रबर डैम का पुल देख सकते हैं आप, किस तरह का लाइटिंग किया गया, डेकोरेट किया गया है लाइटिंग से, आप देख सकते हैं। और इधर आप देखिए मेरे पीछे ये मेरे पीछे इधर विष्णुपथ मंदिर भी है, जो कि यहाँ पर काफ़ी जनसैलाब है देखने के लिए, घूमने के लिए, कपल के लिए भी इस जगह पर परफेक्ट जगह बन चुका है। और कुछ ही दूरी पर विष्णुपथ मंदिर है, कुछ दूरी नहीं मैंने कि 500 मीटर की दूरी पर विष्णुपथ मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर भी है। और इधर में देखिए साइड में आप देख सकते हैं किस तरह का डेकोरेट की लाइटिंग किया गया है, जो आप देख सकते हैं लाइटिंग किस तरह की किया गया है, जो चलिए आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आवाज़ आपको पता चल रहे हैं, क्योंकि मोबाइल से बना रहे हैं अभी, कुछ किसी प्रकार का माइक वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किस तरह का आपके पास आवाज़ जा रहा है हमें पता नहीं है। बाकी कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर करें। ये आप देख सकते हैं गया जी डैम जल संसाधन विभाग बिहार, जो कि आज हम लोग घूमने के लिए आए, देख सकते हैं रबर डैम किस तरह का डेकोरेट किया गया है, जो देखिए हम देख सकते हैं किस तरह का रबर डैम बना हुआ है। आप और ऊपर में जाकर भी आप सबको दिखाऊंगा, जो कि अभी तो नीचे से मैं दिखा रहा हूं आप लोग के किस तरह का, देखिए ये रबर की तरह बना हुआ फूला हुआ है रबर डैम, ये देख सकते हैं आप, ये गुब्बारा की तरह फूला हुआ है। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें गंगा जी का पानी भी गिरता है, अभी खाली किया गया है, क्योंकि विष्णु भगवान का इस जगह पर मूर्ति बनने वाला, बहुत विशाल सा मूर्ति बनने वाला भी है इस जगह पर, क्योंकि इसीलिए पानी को खाली कर दिया गया है, आप देख सकते हैं इस जगह पर, क्योंकि एक पानी नहीं थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो भी निकासी किया जा रहा है लोगों द्वारा। और इस पुल की जबरदस्त तरह से डेकोरेशन किया गया है, इस तरह आप देख सकते हैं हर तरह की कलर की व्यवस्था किया गया है, कलर लाइट की प्रबंध से। देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं इस पुल का। और मेरा आवाज़ आपको सबको पता
पता चल रहा है या सुनाई दे रहा है या कम आवाज़ जा रहा है हमें पता भी नहीं है कि किस तरह का आप लोग के पास मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच पा रही है। जो आप देख सकते हैं और इस जगह पर आप देख सकते हैं इस जगह पर गंगा जी का पानी गिरता है क्योंकि बहुत बड़ा पंप लगाकर गंगा जी से पानी इसमें गिराया गया है जो कि अभी बंद है, जो कि अभी हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि इसलिए कि काफ़ी रात हो गई है, रात के चलते अभी इस जगह पर जा नहीं सकते क्योंकि दूरी है, पुल पार करना पड़ेगा। ये पुल पार कर आप लोग को दिखाने के लिए उस जगह पर जाना पड़ेगा सीताकुंड के पास में, उसी जगह पर गंगा जी का पानी गिरता है और अभी तत्कालीन के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि जरूर विष्णु भगवान का पर मूर्ति बनने वाला बहुत विशाल सा इस नदी में बीचों बीच में नदी में विशाल सा मूर्ति बनने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द पानी को निकासी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं आप जहाँ से देख रहे हैं सारा का सारा आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं ये जगह पर तो अभी आप लोग को पता ही है कि यहाँ से पूरी विष्णु भगवान की पूजा या पिंड दान वगैरह सब होती है, इसी जगह पर पिंड दान होता है और फल्गु आरती होता है, गंगा आरती होती है इस जगह पर ही, गंगा आरती होती भी है। गंगा आरती कल महाशिवरात्रि के दिन समय में हो रही थी शाम में, आप लोग को शायद हम दिखा नहीं सके और इसी जगह पर इस जो लाइट जल रही है आप सबको सामने दिखाई दे रही होगी, इस लाइट के ठीक नीचे में ठीक उसी जगह पर माँ भगवान विष्णु भगवान का मूर्ति है और मंदिर भी है क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। बाकी इस जगह पर और इस जगह पर पिंडदान होता है क्योंकि पिंडदान के समय जैसे ही आते हैं इस जगह पर सारे खचमा इस जगह पर पूरी तरह से भरा हुआ रहता है पिंडदान करने वालों के पूर्वजों के पिंडदान के लिए इस जगह पर काफ़ी सारे पंडित महात्मा ब्राह्मण सब लोग आते हैं और पिंडदान करते हैं। जो भी जिसे भी पिंडदान करनी है अपने उस जगह पर आप देख सकते हैं, आप विष्णुपद मंदिर से भी आप इधर आ सकते हैं गया जी डैम देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह का गया जी डैम जल संसाधन विभाग बिहार, आप देख सकते हैं किस तरह की जगह पर सारी घूमने की जगह भी बनाई गई है, पार्क वगैरह बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस जगह पर, अब देखिए जिस तरह से अभी जा रहे हैं इस जगह से आपको ऊपर जाने का रास्ता ये सामने से निकल जाया जाता है। आप देख सकते हैं चलिए आप देख सकते हैं कि पुल पर चढ़ रहे हैं अभी हम, आप लोग को दिखा रहे हैं गया जी डैम किस तरह का है। जो भाई साहब काफ़ी तगड़ी डेकोरेशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी डेकोरेशन किया गया है इस पुल का, देख सकते हैं ये ऊपर चढ़ गए और आप देख सकते हैं माँ सेतु सीता सेतु पुल। देखिए कुछ लाइटिंग का भी डेकोरेशन और ज़्यादा किया जा रहा है इस जगह इस पुल पर, आप देख सकते हैं किस तरह का तरह तरह के लाइटिंग किया जा रहा है। ये लोग देख रहे हैं मस्ती कर रहे हैं लड़के लोग। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह का कलरफुल लाइट लगाई गई है इस डैम पर और काफ़ी लोग मस्ती और ब्लॉगिंग करने के लिए इस जगह पर आते रहते हैं। देख सकते हैं किस तरह का गजब का डेकोरेशन किया गया इस पुल का और इस जगह से आप देख सकते हैं कि माँ
आप इस जगह से देख सकते हैं कि विष्णु भगवान के मंदिर है इस जगह पर। अब देख सकते हैं मेरी उंगली के सामने, देख सकते हैं आप विष्णु भगवान का मंदिर इस जगह पर है। देखिए कि इसी जगह पर पिंडदान होती है पूर्वजों का, इस तरह का डेकोरेशन किया गया, किस तरह का लाइटिंग हो रहा है। जो देखिए जितने भी मेरे सब्सक्राइबर और मेरे वीडियो को देखने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भाई कर लिए वो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।